आपने तो सोशल मीडिया पे उसकी वायरल वीडियो हो रही है वो देखी थी और आपने टॉय कुकर या रेडी ढूंढी कैसे? तो इंडिया में कहीं भी आदमी हो मैं टो लूंगा उसको। टो लूंगा भाई था बहुत तेज है आदमी कड़िया लुक रहा इंडिया में टो लूंगा। तो फिर नेचर किसा लग गया बातचीत करने का किसा स्वभाव है? बिटिया ऐसी बिटिया तो भगवान हर एक को दे। हाँ मेन वीडियो तेरी वायरल हुई थी पल्ला हवा दारू वाली उसकी एक बार पूरी अच्छी तरह डिटेल में बता दे क्योंकि कन घर थी नेगेटिविटी में ले रहे उसका कहना का मतलब क्या था? बोले छोरी छोरी होगी रेडी लगाओगी। मैंने गुस्सा में कह दिया छोरी तो दारू भी बेचे हैं। सच्ची में गई थी बात? सच्ची में गई थी, मैं झूठ बोलती नहीं, मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच्ची में यही बोला था मैं छोरी तो दारू भी बेच लेंगी। बोली फिर तू दारू बेचेगी? मखानो बताई तो दारू भी बेच दूंगी। मैं ये कहना चाहूँ उस पाइया कच्चा मैदा जो 300-400 का पिज्जा का नाम देखा मैं उससे तो 100 गुना ठीक है अपनी नेचुरल चीज़ है। अच्छा। ये अपना समाज टोटली अपनी संस्कृति का खाना है ही नहीं जो खा रहे हैं। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। फिलहाल भाई दोबारा फिर कैथल आ गए हाँ बेबे सिल्लू की रेडी पर जरा आयुर्वेदिक जूस मिला है। अरे बेबे बहुत ज़्यादा वायरल अपने इंस्टाग्राम पेज पर यूट्यूब पर फेसबुक पर देखी होगी कि छोरी अंदर दूर पड़ा है जरा अपना ही पाना पड़ा है कोई चारा नहीं बचता तो छोरी दारू ही बेच रहा है। भाई इसमें कोई दारू की प्रमोशन नहीं है लेकिन एक यहाँ एमरजेंसी की और मजबूरी की बात बताई थी बेबे ने कि घर आने गया था भाई रेडी लावेगी छोरी दारू बेच लिया अगर अगर मजबूरी आवा तो बेबे लो पहुँचे हैं उसे सारी सारी बातचीत करें क्योंकि उस दिन थोड़ा टाइम का अभाव था बेबे बहुत ज़्यादा बिजी थी। और एक और बात का मेरा लग गया है कि ताऊ है स्पेशल पटियाला तो काम सीखना आवा है बेबे की जो है इतनी बढ़िया काम देखा है उसकी देख का पूरा काम सीखने की लगन हुई और कैथल आने लग गए आजा एक बार। तो फिलहाल तो बेबे की रेडी एक बार सामान दिखा दी मैं सारा का सारा सारे ग्राहका ने फराम करके आराम से बैठी है चाह चू लग रही है पीण। राम राम बेबे। राम राम भाई। राम राम ठीक ठाक है? बढ़िया भाई मस्त। मन ने मेरा लग गया थोड़ा जरूर बैठे कि ताऊ काम सीखने आवा है पटियाला सही है कि नहीं क्योंकि ताऊ वाला बात चल रही है। हाँ भाई 4-5 दिन हो गए ताऊ ना आने। आयुर्वेदिक जूस बनावा है और आपने भी उराया काम सीखना चाहिए ऐसा कि मैंने मीडिया में ही देखा था तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट था भी थोड़ा बहुत पहले तो जब इसको मैंने देखा तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया और फिर मैं यहाँ आ गया बिटिया के पास। बिटिया के पास आके मैंने सोचा कि मैं सीखूं और मैं सीख रहा हूँ बेटी से। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये हर आदमी के लिए पेट के लिए शरीर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ इसमें। मतलब आपने तो सोशल मीडिया पे जो उसकी वायरल वीडियो रही वो देखी थी? वो देखी थी मैंने। और आपने टॉय कुकर या रेडी ढूंढी कैसे? तो इंडिया में कहीं भी आदमी हो मैं टो लूंगा उसको। टो लूंगा भाई था बहुत तेज है आदमी कड़िया लुक रहा इंडिया में टो लूंगा। तो बेबे का नेचर किसा लग गया बातचीत करने का किसा स्वभाव है? बेटिया ऐसी बेटिया तो भगवान हर एक को दे। अच्छा। मेन थी बोली चाली में इतना सुंदर है कि पूछ मत। अच्छा। बहुत अच्छा स्वभाव की बिटिया है। बिल्कुल। तो आपने के चीज सीख ली और के आप लोगों तक संदेश दोगे? ऐसा है सीखना बहुत दूर की बात होती है लेकिन सीखे तो मैं चाहो तो अभी मैं बना के दिखा सकता हूँ हर एक चीज़ लेकिन उसमें क्वांटिटी कितनी चाहिए वो सीखने वाली बातें हैं। मतलब किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी किसकी चीज़ में कौन सी डलती है कौन सी नहीं डलती मतलब किसना के प्रॉब्लम है और उसका हिसाब तक क्वांटिटी का हिसाब तक कितना डालना है। हाँ का क्या क्या डालना है उस हिसाब से चलेगा। अच्छा। हाँ कितने दिन हो गए फिर अपना उड़ान दे? 4 ही दिन हुए हैं अभी आए हुए। हाँ जी। कितना ज़्यादा भेद आ गया यहाँ का मतलब सीखने का? ऐसा है सबसे बढ़िया बात तो ये यहाँ जितने भी यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं जो डॉक्टर वगैरह भी आते हैं सारे मतलब ज़्यादातर डॉक्टर ही हैं तो मतलब बहुत अच्छा ये बिजनेस भी अच्छा है और लोगों के लिए भलाई का भी पुण्य का काम भी है। पुण्य काम है तो भाई बात देखो भाई पुन का मारी है सॉरी पीछे छाप रही है कुकर का मारी दोनों चीज़ दोनों कुकर एडजस्ट कर रही है गला पुन ले रही है गला पीछे ले रही है भाई सबकी में अजम है रुपये भी अजम है और पुन भी अजम है। आप नक तोड़ता हूँ तो देखो भाई हम थोड़ी बिजी खड़ी है काम ज़्यादा चल रही है तेरे गाह गुका निफरा कर आराम से बैठी है कुकर तेरे मन में आई थी भाई मैंने यूँ काम सीखना चाहिए क्योंकि आप थोड़ा बेरा लग गया है गोल्ड मेडलिस्ट भी हो। भाई मेरे मामा ना राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखते थे तो मेरे को नहीं पता था कि राजीव दीक्षित जी हैं कौन तो मेरे मामा के मुंह से ना कई बार ये वर्ड सुना था नाम सुना था मैंने फिर मैंने उनकी वीडियो देखी
मैं एक वीडियो में ही है ना, उसकी फैन क्या, फराटा क्या, ए सी क्या, सब कुछ होगी और मैं उसके पीछे लग ली। फिर उसको देखते देखते ना मेरे को मतलब आगे जो वीडियो ना उसकी आयुर्वेद की जो वीडियो आने लगी तो मेरा इसमें इंटरेस्ट हुआ, फिर मेरे को ये शौक लग गया, फिर मैंने इस पर सीखा, तो ऐसे करके मैं इसके पीछे लग ली। फिर गेम क्या था, छोड़ दिया अपना गेम तो ना, मैं बाइक चलाते हुए बाइक से गिर गई थी, इंजरी हो गई थी और फुटवर्क नहीं हो रहा था अच्छे से, फिर इंजरी की वजह से मैंने गेम छोड़ दिया। आपकी सहपाठी कौन कौन, गल्ला कौन कौन पढ़े कर दिया आपका उस टाइम, गल्ला कौन कौन काम थी आपकी जो खेल में भागीदारी थी? अच्छा, खेल में मेरे साथ की लड़कियाँ, मेरे साथ की लड़कियाँ मोनू दीदी थी जो अभी जो पे है सी वी बुरा, जो अभी यूपी पुलिस में भर्ती हुई है, स्वीटी दीदी थी जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आई हैं, सोनिया लाठर दीदी थे हमारे सीनियर, और पवित्रा दीदी थे, एक नीतू सुथार हैं वो थे, एक रितु रंगा हैं, बहुत सारी हैं, गिरी सेंटर में प्रैक्टिस करती थी मैं सर। कौन सी जो जड़ी बूटी ना गोल का प्या हो लो, माने के एक जड़ी बूटी यूज़ करो? भाई यहाँ कच्ची हल्दी है, गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है, वीट ग्रास है, घिया है, पेठा है, चुकंदर है, मतलब लगभग आयुर्वेद की बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। बिल्कुल, तो पहली वीडियो बनाई थी वायरल हो रही थी, सीधा सड़ा देखो तो कमेंट था, लेकिन कहते के घास फूस कूट के प्याण लग रही है, अगर ये डांगर खाएगा इनको आदमी तो लग गए, फायदे और बता दें थी फायदे? भाई जो पीवे है ना उनका कभी ना कभी भी फीडबैक लेके देखना, ठीक है, एक बार पी के कड़वा मुँह करने कोई ना आवे, जब उनको ये लगता है ना एक दिन में ही, जब ये लगता है कि उन्होंने कुछ लिया है और उनके अंदर कुछ गया है, कुछ हरकत अंदर में होती है ना, तब वो अगले दिन आते हैं, वरना सुबह सुबह कड़वा मुँह कोई ना करे, ठीक है, सब ने मज़ा मीठा में आवा है, मीठा में जो मज़ा हुआ मीठा में हुआ है। कौन सी बीमारी खातर कौन सी जड़ी बूटी काम आवा है? भाई जैसे सफ़ेद पेठा है, ये डिटॉक्सिफाई है, एल्कलाइन है, एल्कलाइन फूड है ये फुल, जैसे आंतों की सफाई बिल्कुल, जो अंदर मल जमा हुआ है ना उसको बाहर निकालता है, कब्ज, एसिडिटी, डिप्रेशन पे भी काम करता है, बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई है, ठंडा होता है पेट के लिए और वेट लॉस करता है। हाँ, शुगर की प्रॉब्लम भी चल रही है, घुटने प्रॉब्लम, उन खातर कौन सा जूस? घुटनों के प्रॉब्लम में जैसे ना अर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, एक हार सिंगार का पेड़ होता है जिसको परिजात भी बोलते हैं, उसके 3-4 पत्ते जूस में मिला के देते हैं तो उनका वो पेन ठीक हो जाता है, बिल्कुल। बात कर आपकी क्वालिफिकेशन के तौर तक पढ़ाई कर रखी है? मैंने बीए कर रखी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। मूवमेंट याद है कोई उस टाइम खेल दिया ने, कोई मूवमेंट याद हो भाई जो बार बार याद आंदा हो, रहा काम कर दिया ने? ना भाई उरा काम कर दिया नहीं, किमे भी याद को नहीं आंदा, उरा तो दिखे कस्टमर ग्लास और जूस। वो वीडियो तेरी वायरल हुई थी पहला हुआ दारू वाली, उसकी एक बार पूरी अच्छी तरह डिटेल में बता दे, क्योंकि कन खरती नेगेटिविटी में ले रहे, उसका कहना का मतलब क्या था? भाई नेगेटिविटी में लेना और पॉजिटिविटी में लेना तो बंदे की सोच पे है, जो बंदा जैसा सोचेगा ना उस बात को, वो कितनी भी पॉजिटिव बात हो अगर उसके बारे में नेगेटिव सोचना है ना तो वो नेगेटिव ही सोचेगा। एक बार वही दोबारा रिपीट कर दे के ये बोल रहे उस टाइम, और उसका पूरा एक बार एग्जांपल बोल कर बता दे, उस बोलिया गया था और उसका मतलब क्या था एक्चुअल में? देखो जैसे हरियाणवी में किसी चीज़ का उल्टा जवाब दे देते हैं ना कि मेरे को ये करने दो, फिर बोलते हैं कि मतलब ये बोलते हैं कि ये नहीं करना, तो फिर वो बच्चे उल्टा जवाब देते हैं ना, ठीक है यो ना करने दे मैं तो नो कर लूँगा। मैंने वह उस वे में जवाब दिया था वो, ठीक है, जैसे मैंने किसी को बोला अपने ही, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं ले भी नहीं सकती नाम, मैंने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे रेड़ी लगानी है, बोले छोरी छोरी होके रेड़ी लगाओगी, मैंने गुस्से में कह दिया छोरी तो दारू भी बेचे हैं। सच्ची में गई थी बात? सच्ची में गई थी, मैं झूठ बोलती नहीं, मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलती, मैंने सच्ची में यही बोला था, मैं छोरी तो दारू भी बेच लेंगी, नो बोली फिर तू दारू बेचेगी, मखानो बताई तो दारू भी बेच दूंगी। तो ये मैंने एक उल्टा जवाब दिया था, और मैं आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल दारू के खिलाफ खड़ी होकर मैं कोई ना कोई ऐसा अभियान छेड़ूंगी जो दारू के, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ दारू के। मतलब ये तो वैसे बात चल रही, लेकिन बात ये कि मैंने उनको सिर्फ उल्टा जवाब दिया था कि अगर जूस की दारू प्रमोट करना कौन था? नहीं, दारू प्रमोट करने की चीज है, ले जाए ये अच्छी चीजें पकड़ दो भाई, अच्छी बात कर गई है, नेगेटिविटी ज्यादा पकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिविटी पकड़ने वाले तो पकड़ेंगे भाई, बाकी मैंने तो ये कि उल्टा जवाब दिया था। अच्छा अच्छा, तो देख भाई आए बात में हम कन्फर्म भी करने खातर पहुँचे, क्योंकि पहला जो इंटरव्यू कराया था उसमें तो भाई डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और ना जाने कितनी ज़्यादा स्टोरी आप लागी है भाई, हमारे तो गिनने में भी नहीं, इतने सारे उसमें मैसेज आ रहे हैं। तो भाई अभी देखो बहुत आपकी स्टोरी भी लाई है, बहुत धन्यवाद भी कर, बॉलीवुड में भी आपकी स्टोरी लाई है, तो कितना धन्यवाद करना चाहूँ भाई यहाँ बैठा।
सबका जोड़ के यहाँ तक कुणिया तक सबका धन्यवाद है। आपने खुद की आईडी बनाई है नहीं बनाई है भाई? खुद की आईडी तो जमाए लोगों के फोन आने लगे ने कि इब तो बना ले, इब तो बना ले, चलानी आंदी भी कौन मैंने। आपने तो जोर ला लिया सिखाने का, मन ना ही लग। मैंने तो एक भी पोस्ट नहीं डाली है, सारी पोस्ट आपने डाली या करमू भाई ने डाली है। मैंने तो आप चेक कर सको, आपने तो आया ही कौन झंझट और ना मैं इसमें फंसना चाहती, क्योंकि ये एक लत है। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे को लत लगे, मैं रियल में रहना चाहती हूँ, रियल में नहीं। देखो कई भाई इसी इसका बैन नहीं होती, अगर वो बैन बनाया का बात करना चाहो तो आई डी की है सिल्लू हर्बल। सिल्लू हर्बल देख ले भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में बेगे आईडी का लिंक भी दे दूँगा। उनका खतरा भाई देखो कौन खरे भाई, यहाँ फ़ोन आया है स्पेशल किसो भाई का, स्पेशल धन्यवाद करना चाहती हूँ। स्पेशल आपका ही है। आपका ही धन्यवाद है, आपने वायरल किया है तो स्पेशल धन्यवाद है भाई। वायरल करने वाले देखा जनता जनार्दन है, इन्हें गला बैठे हैं यही अपन आगा लेकर जावा है, ये जमीन पले जाए आसमान पले जाए इनका हो जो कुछ हुआ। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो क्या है भाई, मेहनत करो किसी भी फील्ड में, कोई भी वर्क है ना उस पर टिकाई से रुको और मेहनत करो। हाँ ये कस्टमर हैं और वो पीछे भी कस्टमर हैं। राम राम जी। राम राम भाई, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम अपना? नरेश कुमार। किस चीज़ का जूस पीना और क्या प्रॉब्लम आपको? मेरे घुटनों में दर्द है। अच्छा। ग्रीन जूस पीता हूँ मैं, परिजात जिसको, इस टाइप के पत्ते, जामुन के पत्ते, एलोवेरा, खीरा है, इसके बाद बीच में बदली करके सफ़ेद बेटा पी लेते हैं, लोकिया पी लेते हैं जो हार्ट ब्लॉकेज के लिए ठीक है। कितना फ़ायदा लग गया इसका? 80% फ़ायदा है। हाँ, नेचुरल चीज़ जिंदगी में हमेशा फायदा ही देती है। उस पाइया कच्चा मैदा जो 300-400 का पिज्जा का नाम देखा मैं, उससे तो 100 गुना ठीक है, अपनी नेचुरल चीज है। अच्छा। ये अपना समाज टोटली अपनी संस्कृति का खाना है ही नहीं जो खा रहे हैं। एक आधा सिक्का, एक कना सिक्का है पाइया कच्चा मैदा कितना बिक रहा है वो शरीर में के देवे, कोई टेस्ट है उसमें तो उससे दूर है, कोई फायदा नहीं है। नेचुरल चीज़ में आना पड़ेगा, समाज आवेगा जी बिगड़ लेगा ना, या एक दो पीढ़ी जा लेगी फिर आवेंगे, इतना काम बिगड़ लेगा। उड़े आवेंगे फिर तो अगले देखेंगे कड़े को आवेंगे। यू राग नहीं बंदा बनाया, बनाया का आना पड़ेगा। तो देख ले भाई जो ग्राह कह रहे थे भाई उरा जूस पीना दिखा दे, जूस यू लोग मोल ले थैली वाला खून पीवे हैं, लेकिन अगर यू खून पीना शुरू कर देंगे नहीं नेचुरली तो थैली वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइम अपने एक बार सामान भी दिखा दूँ भाई, साइड एक बार ये देखो भाई, सारी की सारी चीज़ आयुर्वेदिक में है। ये देखो भाई ग्वार का पट्टा, एलोवेरा, अब शिवा से ग्वार पट्टा भी कहते हैं, एलोवेरा है यो, और जूस काट के इसका अंदर खीरे, ये क्या क्या नीम के पत्ते, क्या का पत्ता है यू? यो परिजात है भाई यार, सिंगार परिजात है यू। दूसरा एक और यो है भाई, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता। अच्छा उस पेद पेठा दे रहा भाई, साइड देख लियो, ये उस पेद पेठा है जो इनकी पेट की मारे है तरफ है, पालक रहा या घी आ रही। इस साइड ये अमरूद के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं और वीट ग्रास भी है। हाँ वीट ग्रास लैग लिया भाई, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा वीट ग्रास लैग लुग लिया। तो वीडियो भाई न्यू दिखाना था भाई, देखो नेचुरली चीज़ जाएंगे फायदे कितने हुआ है, क्योंकि आज का टाइम है लोग के यहाँ बर्गर पिज्जे चाउमीन इन चाइनीज चीज़ पाछा पड़ लिए हैं, जो अपनी नेचुरली चीज़ थी जिस तरह जो शरीर में लागे करती, बीमार नहीं होने दे करती, उन चीज़ जाना छोड़ दे जाना लग रहे हैं। क्यों? वो कड़वी लाग गए हैं, क्योंकि दवाई तो वो कड़वी है। तो भाई अगर इनका सेवन करना शुरू कर देंगे तो भाई किसी डॉक्टर लगा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर की घर में बैद बैठा है। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी लाभ मिल जाए। और ये लोकेशन और पूछ लें बेबे, अगर कोई आना चाहे लोकेशन की है? सेक्टर 20 देवीलाल पार्क हुड्डा। मीर भाई है भाई या मीरबोज की है? हाँ मीरबोज, अब तो मीरबोज की ये चौक भी फेमस है ना जेड सिक्योरिटी में। बिल्कुल बिल्कुल, मीरबोज चौक है भाई, जो साइड कुरुक्षेत्र साइड रोड जावे, अगर आप बस स्टैंड पाओगे, बस स्टैंड तक बोल दे कुरुक्षेत्र जाना है तो मीरबोज चौक आवेगा, उस तक शहर की तरफ है जियो, मात्र एक किला चल दे रेडी दिख जाएगी। टाइमिंग बता दे भाई, जिसने जूस पीना है उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जैसे गाँव में लोग होते हैं वो सोचते हैं हम वहाँ जा नहीं पाते, तो ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी कैसे बनता है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अपने आसपास। अगर जामुन अमरूद के पेड़ अपने खुद ने ना लगा रखे तो पड़ोसियों के तोड़ जाओ, अपने खुद के लगा लो, ठीक है। जिसने भी जो इच्छुक हैं तो घर पर बना के पी सकते हैं, फ़ोन कर लेंगे या फिर मेरे आईडी पे मेरे को पूछ लेंगे, मैं बता दूंगी, वो घर पे भी बन जाता है जूस। बिल्कुल भाई देखो बहुत बढ़िया बात कही, वो आने की जरूरत नहीं है, अगर है ना दूर तक बैठे हो अगर जानना चाहो हो तो भाई आईडी में नीचे लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर मैसेज कर दियो भाई। इसी वीडियो अगला मिलेंगे दोबारा, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।